जोर है। हाँ बोलो, सब पानी पी लिया कि नहीं? ताकत आ गया ना? बोलो जोर से, बोलो हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हो तो जो बक्स है ना, थोड़ी उस तरफ में घुमा दो, उसको उस तरफ में सीधा घूम सकती है वो भैया, गिर नहीं जाए किसी सर को घूम नहीं। और घुमा पीछे, बॉक्स है पीछे, आवाज आ रही है पीछे, और एक बॉक्स है। हाँ ठीक ठीक, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है अभी? हाँ ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बोलिए, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म के लिए लाभ प्रविष्ट हूँ। विष्णु पाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहिति की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्य पाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। परम सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ पर भगवान का नाम संकीर्तन और हरि कथा का प्रयोग प्राप्त हुआ है। कल से ही हम लोग भगवान के नाम की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है, अजामिल उपाख्यान, जिसमें नाम की बड़ी सुंदर महिमा वर्णन की गई है। सारे शास्त्रों में वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में, कोई भी ग्रंथ आप उठा करके देख लो, सब में नाम की ही महिमा है। हम लोग जो भी मंत्र जपते हैं वो मंत्र में भी मूल क्या है, वो मंत्र में मूल है नाम। जैसे मान लो कहा ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र को जपकर ही श्री प्रहलाद महाराज ने सिद्धि प्राप्त की थी। अब इसमें अगर नारायण को हटा दिया तो क्या बचा? ओम नमः, उससे क्या होगा? उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत से लोग ध्यान लगा करके ओम ओम करते रहते हैं और उनको कुछ भी जब लाभ नहीं होता है तो फिर उसको छोड़ करके सोचते हैं सब बेकार। सारी की सारी महिमा तो भगवान के नाम की है। भगवान ने अपने जितनी भी शक्ति है वो सारी अपने नामों में संचरित कर रखी है। इसलिए बताया नाम और नामी अभिन्न है। जितनी भगवान में शक्ति है उतनी नाम में भी है, यद्यपि उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि नाम
हम इस समय ले सकते हैं किंतु भगवान को इस समय हम दर्शन नहीं कर सकते। हम इस समय भगवान को दर्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, किंतु नाम तो सब जगह ही ले सकते। न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा न उच्चिष्टादो निषेधोस्ति हरे नाम नि लुप्यते। हरि नाम करने में न देश का विचार है, न काल का विचार है, न शुद्धि अशुद्धि का विचार है। प्रत्येक अवस्था में अपवित्र होने पर भी, यहाँ तक कि शौच में भी, जो शौच करने के लिए हम लोग जाते हैं टॉयलेट में, वहाँ पर भी भगवान के नाम को ले सकते हैं। इतनी भगवान के नामों की शक्ति है, किंतु ये शक्ति अन्य किसी में भी नहीं है। वहाँ टॉयलेट में बैठ करके अगर हम मंत्र जपेंगे तो उससे हमारा अपराध हो जाएगा, उल्टा विनाश हो जाएगा। कल इन्होंने थोड़ा सा एक हिंट बताया था कि एक त्वष्टा ऋषि थे, उनके पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने वध कर दिया। जब वध कर दिया तो त्वष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया कि इस यज्ञ से मैं एक ऐसा शक्ति उत्पन्न करूंगा जो कि इंद्र को मार देगा। और उन्होंने जो मंत्र जपा तो मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, थोड़ी सी भूल हो गई, और बस उसी भूल के प्रभाव से क्या हुआ, जो उसे वृत्रासुर प्रकट हुए वो इंद्र ने उल्टा उनका ही वध कर दिया। तो मंत्रों का बड़ा नियम होता है, शुद्धि की आवश्यकता होती है, ब्रह्म मुहूर्त में जपना पड़ता है, स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर के ध्यान लगा करके मंत्र जप किया जाता है। किंतु उससे भी बहुत अधिक शक्ति भगवान ने अपने नामों में दे रखी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है अजामिल का। अजामिल ने बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, किंतु एक दिन वो जंगल में गया था कुछ लकड़ियां एकत्रित करने के लिए यज्ञ इत्यादि के लिए। वहां पर उसने देखा कि एक शूद्र एक वैश्या का संग कर रहा। जब वो लौट करके आया तो उसके दिमाग में वही चीजें चलती रही, रिकॉर्डिंग की तरह चलने लगी, और धीरे धीरे उसकी उसमें आसक्ति होगी वैश्य। उसका जो सदाचार था वो सब उसने छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ में विवाह कर लिया। अब ब्राह्मण का कर्तव्य छोड़ दिया, वैश्या से विवाह कर लिया, तो उसका जीवन यापन तो करना पड़ेगा ना, कैसे करेगा अभी। इसलिए वो गलत गलत काम करने लगा, किसी को लूटता था, किसी को मारता था, इस प्रकार से उसने सारे पाप करने प्रारंभ कर दिए, सारे जीवन भर पाप किए, और उसकी 8-9 संतानें हो गई। उम्र भी बहुत अधिक हो गई, मृत्यु का समय आ गया। सबसे जो छोटी संतान थी उसका नाम था नारायण, उसका नाम उसने रखा था नारायण। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत, बड़े भयंकर यमदूत उसको लेने के लिए आए। जब यमदूत उसको पकड़ करके फंदा डाल करके गले में और खींचना प्रारंभ किया, इतने भयंकर यमदूतों को देख करके वो तो बड़ा भयभीत हो गया, कांपने लगा, डरने लगा, और डर के मारे उसके मुख से नारायण नारायण निकला। उसने अपने पुत्र को, जो छोटा सबसे पुत्र था, उसको बुलाया, क्योंकि उसी से सबसे अधिक प्रीति थी। जब उसने नारायण बुलाया, उसी समय उसने अजामिल ने देखा कि चार विष्णु दूत आ गए, और वो विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया। कह रहे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यमदूत कहने लगे, भैया देखो, इसने सारे जीवन तो पाप किए, हमको यमराज का जो आदेश है कि जो भी पापी होता है उसको खींच करके नरक में लेकर के आओ, इसलिए हम इसको नरक में ले जाने के लिए आए। तो विष्णु दूत कहने लगे कि तुम लोगों को लगता है शास्त्र का ज्ञान ठीक से नहीं है, अरे इसने मृत्यु के समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया, और वो नाम का उच्चारण करने से ही उसके सारे पाप कट गए। अभी पानी मत दिया कर इसको, पानी मत दो, चुपचाप बैठ के बता दो, अभी पानी मत लाना है अंदर में। तो भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही इसके सारे पाप कट गए, इसलिए इसको तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत कहने लगे कि आप लोग कौन है, हमको तो आज तक किसी ने ऐसे काम में बाधा नहीं दिया आज तक। कहने लगे, हम विष्णु दूत हैं, और जो यहाँ पर सृष्टि में जो भी गड़बड़ करता है उसको हम मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि कहीं तुम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, तुमको जो अधिकार दिए गए हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने बोला, और
विष्णु दूत तो शक्तिशाली थे, इसलिए यम दूतों को खाली हाथ लौट करके आना पड़ा। जब खाली हाथ लौट करके आ गए तो यमदूतों ने यमराज जी से प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न यही पूछा। देखो ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यमदूत पूछ रहे हैं, महाराज ये बताइए कि इस सृष्टि में कितने भगवान, अगर एक से अधिक भगवान हो गए तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों? एक भगवान कहेगा जाओ इसको मार करके लाओ, दूसरा भगवान कहेगा नहीं इसको मारना नहीं है, तो होगा क्या कभी भी? इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे देवी सब भगवान है, दुर्गा जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओ। किसी सिस्टम में ऐसा देखा है, बहुत सारा एक कॉलेज होता है, एक ही प्रिंसिपल होता है, एक देश है उसमें एक ही प्रधानमंत्री है, 10-20 प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते, उनके नीचे होते हैं, एक ही राष्ट्रपति होता है। कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे होते हैं? एक क्लास में कभी देखा कि चार टीचर मिलकर के एक साथ पढ़ा रहे? एक क्यों होता है? क्योंकि एक अगर कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा तो बात सुनेगा किसकी? इसलिए इस बात को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो जो वैष्णो देवी की बहुत अधिक महिमा है, हम भी मानते हैं उनको, किंतु भगवान नहीं है। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। सारे के सारे शास्त्रों में इस बात के प्रमाण दिए गए, और इस बात को जो मैंने बताया उस पर विचार करना। जो यमदूत कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे भगवान हो गए तो बात किसकी मानी जाएगी, किसकी नहीं मानी जाएगी, तो फिर यमदूतों से यमराज जी ने कहा क्या हुआ कि आज हम अजामिल एक पापी को लेने के लिए गए थे, वहां पर जाकर के देखा तो वहां पर चार विष्णु दूत कहां से आ गए और कहने लगे कि हम गलत कर रहे हैं। अरे उसने सारे जीवन भर पाप किया है, हम तो अकाउंट अपना देख करके गए थे उसको लेने के लिए। तब यमराज जी ने बहुत उनको डांट लगाया, अरे दोस्तो तुमने आज बड़ा गलत काम किया, तुमने अपराध किया है भगवान के चरणों में, भगवान के जो दूत है उनके चरणों में अपराध किया है, और जो सेवक का अपराध होता है वो स्वामी का अपराध होता है, इसलिए तुम्हारी वजह से मेरा भी अपराध हो गया, और वो भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब यमराज जी ने कहा, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर वयासिकी वयम, अरे यमदूतो हम भगवान नहीं है, हमको तो भगवान ने एक अथॉरिटी दी है, एक पोस्ट दी है यमराज की। हमारा काम है कि जितने भी लोग जन्म मृत्यु का जो हिसाब किताब है वो रखना, उनके कर्मों का लेखा जोखा, उसके हिसाब से उनको पाप और पुण्य का भोग कराना, बस इतना काम है। और हम ऐसे एक नहीं, हम बारह हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी को अथॉरिटी दी है भगवान ने, तुम सृष्टि करो, जीवों की रचना करो, उनके हिसाब से अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको जन्म दे दो। नारद जी सारे भक्ति का प्रचार करते रहते। शंभू शिव जी को अथॉरिटी दी है कि वो मृत्यु के संहार के देवता है, जब भगवान की इच्छा होती संहार करवाने की शिव जी को बस इशारा करते, शिव जी सब प्रलय करते। कुमार जो चतुर्सेन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि सुखदेव गोस्वामी और मैं यमराज जी कह रहे, हम बारह महाजन हैं, हम भगवान नहीं हैं। गीता में भगवान ने भी ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से बताई, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम्। जो दूसरे देवी देवताओं का भजन करते हैं ये सोच करके ये भी भगवान है, कहते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन वो भी मेरा ही भजन करते हैं, किंतु ये अविधि पूर्वक है, इसलिए उनको वास्तविक फल की अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं होती। देवान देव ये जो यान्ति पितरन यान्ति पितृवता, जो देवताओं का भजन करते हैं वो उनके लोगों को जाते हैं, भगवान के धाम को नहीं जा सकते वो। और जो देवता होते हैं जब ये प्रलय हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है, तो देवता भी मर जाते हैं सारे के सारे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करो, क्योंकि जो मेरा भजन करता है वो मुझको प्राप्त होता है, किंतु अन्य देवी देवताओं का भजन करने वाला उनको प्राप्त होता है। तब फिर यमराज ने कहा कि आगे से ऐसा कभी नहीं करना, जो भी भगवान का नाम लेता है किसको लेकर के आना किसको नहीं लेकर के आना, फिर यमराज जी ने उसको डिसाइड किया। जीवा न वक्ति भगवन गुण नाम धेयम चेतश्च न च स्मरति तच्चरणार विंदम,
कृष्णाय नो नमति यचिर एकदापि तान अनयध्वम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जीवा न भक्ति भगवत गुरु नाम देव। जिसकी जीवा पर कभी भी भगवान के नाम गुण कीर्तन नहीं होता, अर्थात जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, चाहे कितना भी देवी देवताओं की उपासना कर लो, लेकिन फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। यमराज जी ने बोला है, आना ही पड़ेगा। और जिसका हृदय भगवान का अर्थात भगवान का स्मरण नहीं करता और जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, उसको कहते खींच करके, पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है, उसको कभी भी मेरे पास लेकर के नहीं आना। और ऐसा कहकर के यमराज जी भगवान के चरणों में क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु, जो मेरे दूतों ने आपके दूतों के प्रति अपराध किए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो ये भगवान के नाम की एक कैसी महिमा है। लोग सोचते होंगे ना कि ये देखो खाली शास्त्रों में ऐसा दिया है, ये जो सामने ऐसा नहीं होता है, वास्तविक प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। उसका हम प्रमाण बताते हैं कि ये जो भगवान के नाम की महिमा दी, इसमें विशेष बात क्या है कि देखो अजामिल ने भगवान का नाम नहीं पुकारा था, अर्थात भगवान के उद्देश्य से नहीं बुलाया था, भगवान को नारायण को स्मरण नहीं कर रहा था। भय के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया अपने पुत्र के पुत्रोपचारितम, अर्थात पुत्र को बुलाने के लिए नाम निकल गया भगवान का, क्योंकि पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखा। ये जो नाम होता है, इसी नाम में ही इतनी शक्ति है। ये शुद्ध नाम नहीं होता है, नाम के भी कई विधि होती है। लोग बहुत सारे सोचते हैं ना, शास्त्रों में बताया कि नाम करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर हमारे रोग व्याधि क्यों हो रहे हैं, हमको बहुत सारे कष्ट क्यों मिल रहे हैं। बहुत सारे सोचते हैं ना लोग, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो बताया है कि एक नाम से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, वो होता है शुद्ध नाम। यहाँ पर जो नाम बताया, ये होता है नाम आभास, अर्थात इस प्रकार से नाम बुलाया जाए अपने पुत्र को। सांकेत्यम पारिहासम स्तोभम हेलनमेव, चार प्रकार का बताया। किसी से ऐसे हंसी मजाक करते हुए, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं ना, देखो हरे कृष्णा वाले आ गए, इस प्रकार से। अथवा अनादर पूर्वक, जैसे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग सुअर को देख करके कहते हराम, तो वो हराम ऐसे अगर उनके मुख से निकल गया तो वो भी नाम में गिना जाता है। इसका भी पुराण में वर्णन आता है कि इस प्रकार से एक मुस्लिम था और वो शौच करने के लिए गया था, पीछे से जंगली सुअर आया और उसने ऐसे मुख से उसके हराम निकल गया, तो उसका भी उद्धार हो गया। नाम की इतनी महिमा है। फिर सोचो जो भगवान को साक्षात उद्देश्य करके जो नाम लिया जाएगा, उसकी कितनी महिमा होगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि नरक और स्वर्ग नहीं होता है, उसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही प्रमाण बताते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर एक भूत आया, तो भूत आया, महाराज जी थे वहीं पर, यहाँ पर है, वो सब थे वहाँ पर। वो भूत आकर के खुद बोला, महाराज जी मुझे हरि नाम दे दो, नहीं तो मैं नरक जाऊँगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो सोच लो कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये सब बातें ऐसे ही बनाने वाली, वो भूत आकर के खुद बोल रहा है। फिर महाराज जी ने उसको तीन बार हरि नाम सुनाया तो वो बस छोड़ करके चला गया, उद्धार हो गया उसका। ये हरि नाम की कितनी शक्ति है। और हरि नाम की तो बहुत ही अधिक महिमा है। हमने तो देखा है अभी कुछ समय पहले ही, जो भगवान के जो भक्त हैं उनके नाम की कितनी महिमा है। हमने अब तक कथाओं में पढ़ा था कि हमारे जो श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पता है नाम सुना आप लोगों ने कभी, जो हमारे गौड़ी मठ है ना जितने सारे, वो सब उन्होंने स्थापना की थी। जो इस्कॉन के स्वामी प्रभुपाद है ना, स्वामी प्रभुपाद, वो उनके शिष्य, उन्होंने सारे गौड़ी मठों की स्थापना की। तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि उनकी एक बार एक माता जी वो मर करके यमराज के लोक में गई, तो यमराज जी वहाँ पर प्रभुपाद की फोटो लेकर फोटो आरती कर रहे थे। तो यमराज ने वो माता जी को बोला कि मैं ये जो है महापुरुष, ये अभी पृथ्वी पर हैं, अभी तुम जाओ और इनसे हरि नाम दे करके। तो इतनी उनके नाम की, प्रभुपाद की इतनी महिमा है कि स्वयं यमराज जी भी उनकी आरती उतारते हैं। फिर उसके बाद में एक बार हमने कथा में सुना था कि उनके एक शिष्य थे प्रभुपाद के, एक व्यक्ति के ऊपर ऐसे भूत आया तो उन्होंने बस डंडा लेकर के और उसके सामने बस प्रभुपाद 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 ऐसे बोल बोल करके वो भूत को भगा दिया। प्रभुपाद के नाम की इतनी शक्ति है। और इससे भी साक्षात प्रमाण हमने देखा, अभी हमारे ये प्रभु जी हैं, ये बैठे हुए हैं, अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात,
मथुरा से एक भक्त आए थे, वो अभी महाराज जी के शिष्य थे, उनके ऊपर में इस प्रकार से कुछ समस्या थी, वो भूत आ गया। अभी ये प्रभु जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, बताता नहीं, कहाँ से आए हो बताता नहीं है, कैसे जाओगे बताता नहीं, तुम्हारा उद्धार कैसे हो कुछ बताता ही नहीं। तो हमने कहा कि फिर ठीक है, तुम अगर कुछ नहीं बताओगे तो पिटाई करेंगे तुम्हारी। अभी देखो, भूत की पिटाई कर नहीं सकते साधारण, मंत्र की शक्ति होनी चाहिए, मंत्र की शक्ति के बिना तो वो तुम्हारी उल्टी पिटाई कर दे। तो हमने फिर क्या किया, एक ऐसे छड़ी उठाया और छड़ी उठा करके बस उसको ऐसे स्पर्श किया, प्रभुपाल बोले प्रभुपाल, और इतना तेज चिल्लाने लगा वो, इनसे पूछो प्रभु जी। नीचे ब्रह्मचारी भी सोच रहे क्या हो रहा है, ये प्रभुपाद के नाम की इतनी शक्ति है जो कि भगवान के चरणों के दास है, तो सोचो भगवान के नाम की कितनी शक्ति है। इसलिए जो हम लोग विश्वास नहीं करते ना, वो सब ये बातों के साक्षात रूप में प्रमाण है कि हमने अपनी आंखों से ये सब घटनाएं देखी। तो इसलिए जो यहाँ पर जो नाम संकीर्तन कराया गया उसकी बड़ी महिमा है, हमको तो दिखाई नहीं देते, हमने अनंत जन्मों में अनंत पाप कर रखे, इसलिए वो कितने नष्ट हो गए वो तो हमको अकाउंट पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो यमराज को सारा अकाउंट पता रहता है। और भी नाम की बहुत सारी महिमा है, महाराज जी से अभी और भी श्रवण करेंगे, किंतु विशेष बात क्या है कि नाम की इतनी महिमा भी है, इतनी शक्ति भी है, और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई भी विचार नहीं है, अधिकार अनधिकार कोई विचार नहीं है। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक, यहाँ तक के जो व्यक्ति खटिया पे पड़ा रहता है, मरणासन्न है, मृत्यु का समय नजदीक है, वो और कोई साधन कर सकता है, ठाकुर जी की पूजा कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी बेड पे लेटे लेटे हरी नाम कर सकता है। और वो उसके हरी नाम, उतने हरी नाम के प्रभाव से ही उसका बताया ना, जितने भी पाप इत्यादि वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सभी को, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे पवित्र अवस्था है अपवित्र अवस्था है, किसी भी अवस्था में हरि नाम जरूर करना चाहिए अगर अपना उद्धार करना है। नहीं तो मैंने जो बताया अभी कि देखो, मर करके इतना पाप किया, मर करके भूत बना, अब भूत योनि में भी भटक रहा है, उद्धार होने का कोई संभावना नहीं, खुद बोल रहा है मुझे हरि नाम दे दो, नहीं तो मुझे फिर वो भूत योनि से भी उद्धार होकर के शरीर नहीं मिलेगा, पहले यमदूत उसको नरक ले जाएंगे, खुद बोल रहा है ना भूत, कह रहा मुझे नरक जाना पड़ेगा, अगर हरि नाम दे दोगे तो बच जाऊंगा। इसके बहुत सारे प्रमाण है। एक शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद में फिर भजन वजन सब छोड़ दिया, जब भजन वजन सब छोड़ दिया तो फिर उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु तो नरक में ले गए, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद का नाम लिया तो वहां पर वो रक्षा, वो उनकी रक्षा हो गई। और उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको एक मौका फिर से देता हूँ मैं, तुमने हरि नाम छोड़ दिया ना, इसलिए तुमको नरक में आना पड़ा, नहीं तो जो दीक्षा ले लिया जिसने सदगुरु से हरि नाम करता है उसको यमदूत स्वप्न में भी स्पर्श नहीं कर सकते, शास्त्र में ऐसा। अभी तो बताया यमराज स्वयं कह रहे हैं कि देखो जो ऐसा करता है उसको हमारे पास लेकर के नहीं आना। शास्त्र में एक श्लोक है, गुरु वक्त्रा विष्णु मंत्रो यस्य कर्णम प्रविश्यति यमस्तल लिखनम दूरम करोति तत्क्षणम। गुरु, सदगुरु के मुख से, इसमें ये भी विचार करना पड़ेगा, सदगुरु के मुख से, सदगुरु वैष्णव होना चाहिए, उनके मुख से निकला हुआ विष्णु मंत्र जिस समय कान में प्रवेश कर गया उसी क्षण यमराज जी अकाउंट काट देते, कहते अब इस पर हमारा अधिकार नहीं है। उसको यद्यपि ऐसा नहीं कि कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा पाप और पुण्य का फल, किंतु वो भगवान भोग कराएंगे, यमराज नहीं भोग कराएंगे, नरक में नहीं जा सकता वो। तो इसलिए गुरु मंत्र की, भगवान के नाम की इतनी महिमा है, और इसके बाद भी हम लोग करते नहीं है, इसका इससे बढ़कर के और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम लोगों ने देखो पैसा कमाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कितना लाख लाख रुपया फीस, एक अभी वहाँ पर हम मोहाली में गए थे, एक कॉलेज था बिजनेस का, 50 लाख रुपये एक साल का फीस है, 50 लाख रुपया फीस देकर के लोग पढ़ाई करते, फिर पढ़ाई करने के लिए सवेरे से रात तक पढ़ना पड़ता है, उससे क्या कमाएंगे, 1 करोड़ कमा लेंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ कमा लेंगे, वो सब यही छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन हरि नाम से कितनी बड़ी वस्तु कमा रहे, स्वयं भगवान कमा लेते, ये इतनी बड़ी कमाई है, इससे स्वयं भगवान मिल जाते। अरे जितना भी तुम करोड़ और अरब या क्या जितना ब्रह्मांड है वो सब तो भगवान ही उसके मालिक है, ये हरि नाम से तुम स्वयं भगवान को कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए किसी को चिंता नहीं, ये कमाई कोई नहीं करना चाहता, सब खाली पैसे कमा करके मरना चाहता। बोलो तो प्रभु को सामने,
बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोल नहीं रहे हो क्या चक्कर है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। घर में बैठ करके अब भी जब करना, अपना बच्चों को भी बोलो हरे नाम करे, ठीक है? इसमें जो हरे शब्द है, हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरे। कृष्णा मतलब क्या? हमारे मन में शांति नहीं मिलती, मन भटकता है, मन दुखी है। क्री मतलब होता है अपना तरफ में आकर्षण करना। स्ना मतलब आनंद देना। कृष्णा नाम लेने से जो तुम्हारी मन भटकती है, मन को जो शांति नहीं मिलती है, ये मन को शांति मिलेगी। राम मतलब क्या है? जीवन में आराम मिले। जीवन में क्या मिले? बोलो जोर से, आराम मिले। अब जीवन में क्या चाहते हो? वही तो चाहते हो ना, जीवन में आराम मिले, सब पाप दूर जाए, मन को शांति मिले। ये हरे कृष्ण महामंत्र से ये सारे चीज, ये हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ मिलेगा। इसलिए एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा। बोलो जोर से, और जोर से। जब झगड़ा करना कितना जोर से आवाज आती है, आप लोग बोल रहे हो मेरे तक आवाज नहीं आ रही। और एक बार जोर से बोलो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल हरे कृष्ण। अभी जब प्रभु जी कह रहे थे भगवान का नाम लेने के लिए, गुरु जी ने भी कितनी बार बोला भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन कुछ लेडीज़ का तो मुंह एकदम जिप, कुछ मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। आप जानते हो भगवान का नाम लेना इतना सहज नहीं है। अगर भगवान का नाम किसी के मुख से उच्चारण हो रहा है, मानना चाहिए पूर्व पूर्व जन्म में बड़े पुण्य काम किए हैं। भगवान स्वयं ये अर्जुन को बात बतला रहे हैं, ये ने जन्म शते पूर्वम वासुदेव सम अर्चनम तन मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम कौन उच्चारण कर पाएगा? कहते हैं पूर्व पूर्व जन्मों में जिसने मेरी पूरा पूजा आराधना करी है, उसी के मुख से ये भगवान का नाम निकलेगा। कितने कितने जन्म तक? शत जन्म, कोटि कोटि जन्मों तक। एक जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्मों तक जिसने मेरी पूजा आराधना करी, उस सौभाग्यवान जीव के, उस पुण्यात्मा के मुख से भगवान का नाम निकलेगा। आप लोग यहाँ पुण्यात्मा हो ना पापात्मा, बताओ देखें। भगवान का नाम उच्चारण करके बताओ, बोलो एक बार सब जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुना है? वाल्मीकि महाभारत लिखी थी ना उन्होंने? हाँ बोल रहे हो। ये तो देखो आज हमारे भारत की दुर्दशा हो रही है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी ना महाभारत लिखी थी? वाल्मीकि जी जब वो संत बने थे, उससे पहले वो दक्षु थे, डकैत करते थे। एक समय क्या हुआ, जंगल से नारद जी जा रहे थे। नारद जी से उन्होंने पूछा, बोले बाबा निकालो क्या माल पत्र है तुम्हारे पास में, बाहर करो। बोले भैया हम तो संत हैं, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले झूठ मत बोलो, निकालो तुम। तो उन्होंने क्या किया था, नारद जी ने जब कहा कि तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, इस पाप कर्म का फल जानते हो? बोले क्या पाप कर्म, इसका फल मुझे पता है। बोले तुम ये पाप कर्म करने में जो तुम्हारे परिवार वाले भागीदार हैं, जिनके लिए ये सब कर रहे हो, क्या वो तुम्हें इसमें साथ देंगे? बोले निश्चय देंगे, मैं कमाई तो उनके लिए कर रहा हूँ ना भैया, पैसा ले जाके पत्नी के हाथ में देता हूँ, उसी से घर चलता है, बच्चे पलते हैं, माता पिता पलते हैं, तो वो तो भागीदार बनेंगे ही। बोले तुम जाके एक बार पूछ के आओ। नारद जी बोले अच्छा मुझे घर बेच के और तुम 11 होना चाह रहे हो? बोले नहीं नहीं मैं यहीं पे हूँ, तुम जाके एक बार पूछ के तो आओ। नारद जब ये दक्ष रत्नागर ये जब घर पे आए, सबसे पहले पत्नी से पूछा, बोले तुम्हें पता है मैं पैसे कैसे कमाता हूँ? बोले हाँ आप चोरी डकैती करते हो। बोले पाप कर्म में तुम मेरी भागीदार बनोगी? तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, पाप कर्म तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा पाप तुम जानो, तुम तो मुझे घर में लाके पैसा देते हो, घर की चूल्हा चौका मेरे हाथ में, बाहर का काम तुम्हारे हाथ में, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं इसकी भागीदार नहीं बनूंगी। बच्चों से पूछा, बोले बच्चों तुम बनोगे? बोले नहीं हम क्यों बनेंगे, आपने हमें जन्म दिया, हमें
पढ़ाना लिखाना हमें बड़ा करना ये आपका कर्तव्य है, हम आपके पाप में भागीदारी क्यों बनेंगे। उन्होंने भी मना कर दिया। माता पिता से पूछा, बोले आप लोग तो भागीदार बनोगे ना। बोले बेटा हमने तुझे लिखा पढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, अब तू कैसे पैसा कमा रहा है ये तू जाने, तेरा काम जाने, हम हमें तो दो रोटी दे दे रुकी सुखी खा लेंगे, है ना। जब सबने मना कर दिया वापस वो आया नारद जी के पास में, बोले बाबा आप ठीक कह रहे थे। बोले मैंने जो इतना पाप कर्म कर रहा हूँ जिस परिवार के लिए जिस पुत्र परिजन के लिए, वो तो मेरे पाप में भागीदार बनने को राजी नहीं है, आप बताओ इन सबसे मेरे को छुटकारा कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि तुम भगवान राम का नाम लो। उन्होंने कहा बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। देखो आप लोग सच में पुण्यात्मा हो इसलिए आपके मुंह से राम नाम निकल रहा है, लेकिन रत्नाकर वो इतना पापी था उसके मुंह से राम नाम नहीं निकला। बाल वहां पर नाराज जी कहते हैं कि बोले तू सबको मारो मारो मरा मरा बोलता था। बोले मरा मरा बोल सकते हो? हाँ मरा मरा बोल सकता हूँ। तो मरा 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम शुद्ध नाम तो उच्चारण कर नहीं रहा, लेकिन उल्टा नाम जपते जपते ही क्या हुआ, मरा मरा करते राम हो गया। और भगवान राम के आने से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी, है ना। भगवान राम का इतना सर्वश्रेष्ठ फल बताया। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भौम पड़े उपजे सभी उल्टा सीधा बीज। आपने देखा है किसान जब खेती करते हैं ना, जब खेत के अंदर बीज बोते हैं ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, है ना, बीज चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, जैसे ही बारिश होगी तो उसके अंदर से पौधा निकलता है, सीधा ही तो निकलता है ना। हाँ ऐसे ही भगवान का नाम है, यहाँ पर बैठे हो, अच्छा मन नहीं था सत्संग में आने का, सोशल प्रेशर की वजह से आ गए कि भैया हम उनके नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा, या कोई मन से भी आ गया हो, किसी को नींद आ रही हो लेकिन जोर जोर से बार बार महाराज जी बोल रहे हैं इसलिए हरिनाम बोलना पड़ रहा है। मन से करो कुमन से करो, खुशी होके करो दुखी होके करो, लेकिन भगवान का नाम इतना फलदायी है आपको फल निश्चय प्रदान करेगा, है ना। भगवान के नाम की इतनी सर्वश्रेष्ठ महिमा है, और कलयुग के अंदर तो विशेष करके कलयुग के जीवों के लिए अभी कह रहे कि भैया यहाँ पर यज्ञ होगा, हाँ 3-4 घंटे तक यज्ञ होगा, अग्नि के सामने स्वाहा स्वाहा करना है, सब उठ उठ के भागने लग जाएंगे। किसी को कह दो तपस्या करनी हो, ये देखो माता जी से तो ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, आसन तो ठीक से हम कैसे, एक स्थान पर बैठ के तपस्या करना तो बड़ी दूर की बात है ना, एक स्थान पर हम ठीक से बैठ भी नहीं सकते, हमारी इतनी भी क्षमता नहीं है। भगवान का अर्चन पूजा करने को यदि कहे वो भी संभव नहीं है, इसलिए हमारे लिए सबसे सरल उपाय भगवान ने रखा, भगवान का नाम करो। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान एकादशी की आरती करनी चाहिए किस लिए होता है? देखो भागवतम के अंदर, अभी भागवत कथा चल रही है हम लोग की, तो भागवतम के अंदर वर्णन आता है एकादशी का। आप देखो सभी लोग व्रत करते हैं, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, बुधवार, इतवार। अगर ये सोमवार मंगलवार आप व्रत करते हो, ये एक एक किसी देवी देवता के लिए है ना। जैसे सोमवार हम व्रत करते हैं शंकर जी के लिए, मंगलवार करते हैं बालाजी के लिए, हनुमान जी के लिए, है ना, बुधवार गणेश जी के लिए, ऐसे अलग अलग व्रत करते हैं अलग अलग देवी देवताओं के लिए। लेकिन एक बात यहाँ विचार करने की है, आपने यदि सोमवार का व्रत किया शंकर जी प्रसन्न होंगे आपको उसका फल दे देंगे, सोमवार का व्रत नहीं किया तुम अपने घर शंकर जी अपने घर, है ना, मंगलवार का व्रत किया बालाजी खुश होंगे आपको जो चाहोगे वो दे देंगे, लेकिन व्रत नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है, एकादशी व्रत यदि कोई पालन करे तो उसका फल निश्चय मिलेगा ही, लेकिन यदि कोई एकादशी व्रत पालन नहीं कर रहा तो उसका हानि जरूर है। एकादशी के दिन बतलाया, एकादशी व्रत मतलब एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, एकादशी अन्न के दिन अन्न ग्रहण करना सबसे बड़ा पाप बताया। जीव हत्या, जो नर हत्या, भ्रूण हत्या, माता पिता की हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में विराजमान रहते हैं, इसलिए यदि कोई एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर रहा है तो उनको ये सारे पाप भोगने पड़ेंगे। लेकिन यदि एकादशी कोई व्रत करे, आप देखो साल में 24 एकादशी आती है और हर एक एकादशी का अलग अलग नाम है। जैसे एक एकादशी का नाम है पुत्रदा, पुत्रदा एकादशी आती है ना, पुत्रदा एकादशी का क्या फल है, यदि कोई वह एकादशी पालन करेगा
घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उसको पुत्र प्रदान करेगा। भागवतम के अंदर वर्णन आता है नंद यशोदा, उनके घर में कृष्ण जब जन्म नहीं लिए थे बड़े दुखी थे, बोले हमारे घर में कोई संतान नहीं। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी का पालन किया तब जाकर उनके घर में कृष्ण ने जन्म लिया, है ना। ये एक एकादशी पुत्रदा एकादशी का ये फल है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर ये एकादशी कोई पालन करे तो उसके घर में लक्ष्मी भरपूर, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। बताओ लक्ष्मी किस किस को नहीं चाहिए, हाथ उठाओ। लक्ष्मी तो सब कुछ, लक्ष्मी सबको चाहिए कि नहीं, पैसे के बिना तो कुछ काम होता नहीं, देखो है ना, पैसा सबको चाहिए ही। अगर ये एकादशी कोई पालन करे ठीक ठीक रूप में, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, पाप मोचनी मतलब सारे पाप जो हमारे करे हुए हैं उन पाप का मोचन कर देगी, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। हम देखो चाहते हैं सब चेष्टा करके किसी न किसी प्रकार से सुखी रहना, है ना, सब सुखी रहना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है। दुख क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे पूर्व पूर्व जन्मों के पाप संचित हैं। हम पूर्व को चलो इस जन्म में तो हमें जब से होश संभाला है तब से किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन पहले के जन्मों में क्या करके आए हो किसी को पता है, वो तो पता नहीं। हमारे पूर्व जन्मों के पाप के कारण ही हमें अभी दुख मिल रहे हैं। तो अगर सुखी होना चाहते हो, अगर ये पापों का बैलेंस जो हम पहले से इकट्ठा करके ला रहे हैं उसको हटाना चाहते हो, क्या करो, ये पाप मोचनी एकादशी का पालन करो, है ना। ये एकादशी पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, मोक्षदा अर्थात जो मोक्षदान, मोक्ष प्रदान करती है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा। ऐसे ही आप देखोगे अलग अलग एकादशी महात्म्य का एक ग्रंथ है, उसे पढ़ के देखना, अलग अलग एकादशी का अलग अलग महात्म्य है। जिनके घर में संतान नहीं उन्हें संतान देगी, जिसके घर में एक एकादशी का नाम है अन्नदा, अन्नदा अर्थात गर्भ में जो अन्न शस्य की यदि कमी हो उस एकादशी का पालन करोगे तो आपके घर में धन धान्य भंडार रहेगा, है ना। तो एकादशी पालन करना अनिवार्य है, एकादशी पालन नहीं करोगे तो उसका पाप अवश्य ही लगेगा। एकादशी की इतनी महिमा है। आप देखना कभी जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, कोई बूढ़े लोग काफी काफी सालों से खाट में पड़े हुए हैं जिनका शरीर त्याग नहीं हो रहा है, आप किसी ब्राह्मण को यदि बुलाओगे वो ब्राह्मण भी देखना एक ही उपाय बताता है, बोले कोई इनको एकादशी करके और दान कर सकता है। सुना होगा ना आपने, देखा होगा, एकादशी का इतना महत्व है। एकादशी करके संकल्प करके यदि कोई दान करे तो उससे शरीर की सदगति हो जाती है। हरे कृष्ण। तो इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा बताई है शास्त्रों में। साइंटिफिकल तरीके से भी यदि देखोगे तो एकादशी के अंदर बताया है, एकादशी व्रत जैसे हम हर रोज तो रोटी चावल अन्न खाते हैं, है ना, लेकिन एकादशी के दिन अगर ये सब ना खाके जैसे कंटिन्यूस, हमारी शरीर को मशीन बताया है, आप देखो अगर कोई मशीन कंटिन्यूसली चलेगी तो खराब हो जाती है ना। ये फैन अगर कंटिन्यूस चलता रहेगा कुछ समय बाद में खराब हो जाएगा, है कि नहीं। हर एक मशीन को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, पॉज चाहिए होता है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन है, इसके अंदर भी अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है। हम 24 घंटे वही खाना 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 निकालना खाना निकालना, अगर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा शरीर भी देखना कुछ समय बाद में खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, ये एकादशी का प्राविधान रखा कि क्या करो, 15 दिनों में एक बार इस साइकिल को रोक दो, ये खाना निकालना जो साइकिल है इसको रोक दो, और क्या करो उस दिन उपवास रखो, उस दिन अन्न वगैरह ग्रहण ना करके। और ये पहले तो लोग निर्जला एकादशी रखते थे, कुछ ग्रहण नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। अभी यदि वो सामर्थ्य ना हो तो फल लेकर जो व्रत वाली चीजें हैं वो लेकर कम से कम एकादशी का पालन तो करो, ताकि इस मशीन को भी रेस्ट मिले, इस बॉडी को भी रेस्ट मिले। किसी भी प्रकार से विचार करके देखोगे एकादशी करने से बड़े लाभ हैं, इसलिए सभी लोगों को एकादशी जरूर करनी चाहिए। और हमारे एक आचार्य हुए, उन्होंने तो वर्णन किया है, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी, कहते हैं इस एकादशी को माधव तिथि। माधव तिथि मतलब साक्षात कृष्ण इस तिथि के अधिष्ठात्री देवता है। जैसे मंगल सोम बुध इत्यादि इत्यादि करते हो, सभी देवी देवताओं के लिए करते हो, लेकिन उन सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के जो आराध्य हैं भगवान कृष्ण, उनका व्रत है ये एकादशी, और अगर उनको प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। एक कृष्ण यदि संतुष्ट हो गए हमसे तो सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जापर कृपा हरि की होई, तापर कृपा करे सब कोई,
है ना। तो अगर कृष्ण हमसे संतुष्ट हो गए, अगर उनका व्रत हमने ठीक ठीक पालन किया, तो क्या हो गया, वो संतुष्ट हो जाएंगे, वे हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और एकादशी तिथि भक्ति जननी, अर्थात अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, उसके लिए एकादशी बड़ी जरूरी है। यही भक्ति को जन्म देती है। हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ इत्यादि भरे पड़े हैं, उसको निकाल के शुद्ध भक्ति यदि कभी आविर्भूत होगी तो एकमात्र एकादशी से। इसलिए एकादशी, हरि नाम, ये कुछ भजन करने की कुछ मंत्र हैं, कुछ टिप्स हैं, इनको यदि पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, एक बार सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा। आप लोग भी बोल रहे हैं, इतने नाम की महिमा आ रही है तभी मुंह से बोल ही नहीं निकलता। बोलो बोलो मुझे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। ये घर का मालिक कौन है, कोई है नहीं घर का मालिक? कौन भैया, कहाँ है भैया, कहाँ गए, कौन किधर आ गए? राधाकांत किधर आ गए, किधर? हाँ देखो, भैया ने आज घर में वृंदावन से आए हुए संत को बुलाए, आप लोगों को सबको उन्होंने निमंत्रण दिया है, आज घर में सत्संग होगी, आप लोग सबके सजाओ। केवल इतना नहीं, इन्होंने सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था किया, प्रसाद की व्यवस्था की है। हाँ देखो, इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इसको अपना पत्नी को पहना, इधर बैठ जाओ। देखो, भगवान हमें तो पैसा देते ही, ठाकुर जी हमें पैसा, अच्छे तरह सुनो, ये जो पैसा है ना, पैसा का एक नाम होता है लक्ष्मी। क्या कहते हैं? लक्ष्मी। ये बताओ लक्ष्मी किसकी है? नारायण। अच्छे तरह से याद रखो, अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में लग रही है, फिर समझो घर में सुख शांति आएगी। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगता है, तुम खुद उसको भोग करना चाहते हो, उसको भोग नहीं सकते। और वो खरब रुपया जैसा दुनिया में हम घूमते हैं, जो केवल पैसा कमाते हैं अपना भोग के लिए, ठाकुर की सेवा के लिए नहीं, संतों की सेवा के लिए नहीं। कभी कभी इतनी बड़ी बीमारी, नहीं इतने बड़ी कोर्ट कचहरी, और नहीं तो घर में इतने बहू बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई लगा कर ना घर में दुखी दुखी कर देते। क्योंकि जो लक्ष्मी है वो नारायण की है, तुम्हारी है ही नहीं। तब भी ये लक्ष्मी घर में सुख शांति देगी जब ये लक्ष्मी को सत्संग में, संतों की सेवा में, ठाकुर को सेवा में लगेगा, घर में शांति सुख नहीं रहेगी। नहीं तो घर में ये लक्ष्मी तुमको चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए इन्होंने क्या किए, लक्ष्मी को सत्प्रयोग करते हैं। ये भी गुरु जी की शिष्य है, उनकी जो पत्नी बैठी हुई सामने, क्या नाम तुम्हारी? रोहिणी। देखो ये दोनों ही देखो गले में कंठी लगाते, तिलक लगाते, भगवान की भक्ति करते हैं, घर में जो कुछ जो खाना बनती है, घर में नारायण, घर में ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते, ठाकुर जी को भोग, हर चीज लक्ष्मी से पैसा से करती होती है। वो जब ठाकुर को सेवा में लग गई ना, बस लक्ष्मी खुश हो जाती, बोले बेटा खूब फलते फूलते रहो, खूब जीवन में खुशी रहो। देखो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है ना। इनका बच्चे का तो बच्चे ना, हाँ खड़े हो जाते। देखो ये बच्चे को देखो, ये लग देखो तिलक लगाते, इनके गले में तुलसी कंठी, इनके घर में कोई मांस मछली मदिरा प्याज लहसुन तक भी इनके घर में नहीं चलता है, प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते हैं। जो कुछ खाते हैं ठाकुर जी को भोग ला कर खाते हैं। अगर आप भी चाहते हो जिस घर में भगवान की भजन भक्ति हो ना, भगवान नारद जी भगवान से पूछे, ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, भगवान खुद कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे। नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। बोले साथ योगिनाम हृदय नच, बोले योगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु भाई आप रहते हो कहाँ पर, बोले एक जगह पर मेरे को तुम पाओगे, मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठान। जिस घर में मेरी पूजा सेवा मेरी भक्ति होना, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। अगर घर में ठाकुर को सेवा पूजा घर में भक्ति होना, देखो ना ठाकुर जी कहीं ही नहीं जाएंगे, ठाकुर जी तुम्हारी घर में आकर के
बैठ जाए। इसलिए इनके घर में देखो कितना सुंदर मंदिर बनाए, गुरु जी का स्थापन किया, ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही। इसलिए इनका घर नहीं, यही घर ही भगवान की धाम है, यही घर भगवान की वृंदावन धाम उन्होंने घर को बनाया। इसलिए अगर आप भी चाहते हो हमारी घर भी वृंदावन बने, ठाकुर जी की मंदिर बने, क्या करो घर में ठाकुर को सेवा पूजा करो, ठीक है ना, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ। लेकिन तभी भोग लगा सकते हो, लेकिन घर में जब प्याज लहसुन नहीं लगा तभी ठाकुर जी को भोग लग सकता है। इसलिए जो प्याज लहसुन है ना तामस की वस्तु है। जैसे नवरात्रि आती है, 9 दिन तक कोई प्याज लहसुन खाते हो? क्यों नहीं खाती हो? क्योंकि माता जी को पसंद नहीं। क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा? इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, वो चीज हमें भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, हैं? इसलिए ये प्याज दसवीं तामस की भोजन है। इसलिए भागवत पढ़ करके देखोगे, जिस समय समुद्र मंथन में अमृत जब महीने बांट रही थी, ये एक दैत्य ने धोखे से अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य इशारा किया प्रभु कि राक्षस ने धोखे से अमृत पिया। ठाकुर जी सुदर्शन चक्र बुलाए, गला काट दिया। जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा वहीं पर होगी प्याज की पौधा। देखना जैसे मांस लाल लाल रंग के ना, प्याज भी लाल लाल रंग के। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, प्याज खाओ मुंह से बदबू निकलेगा। कच्चा प्याज खाओ इससे बात नहीं कर सकते हो। यहाँ प्याज काटो मुसलमान लोग ने लाए, इसे मुसलमान का खाना, हमारी खाना ये नहीं है। क्योंकि हर हिंदू पहले घर घर में ठाकुर को सेवा होती थी, पहले ठाकुर जी को भोग लगता था उसको खाते थे, हैं? लेकिन धीरे धीरे पहले प्याज लहसुन खाना, फिर अंडा ले आओ, फिर मछली ले आओ, फिर मांस। धीरे धीरे आदत हमारी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, ठीक है ना। कोशिश करना कि गंदी चीजों को त्याग दे करके शुद्ध रूप में प्रसाद बने, ठाकुर जी को भोग लगे और भगवान की भजन करो, ठीक है। हाँ, अभी प्रभु जी भगवान के नाम की महिमा बता रहे, ठाकुर जी नाम की महिमा बता रहे थे। कहते ना, हरी से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला या परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान का जो नाम है भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है। अब लोग तो हिंदू है, अब देख लेना, भले ही जिंदगी भर जो कुछ करना कर लो, जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात छूटा है। किसको बुला रहे, किसको बोल? ऊपर जो लेटा हुआ होता है ना, वो जो शरीर छोड़ दिया, उसको ही सुनाते बोले, बेटा जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया ना, तेरे साथ हो ही जा रहे हैं, सब कोई बात छूटा है, इसके सिवाय तुमने संसार में जो कुछ किए हो, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। जिस पत्नी को तुमने 7 फेरा लगा करके शादी किए हो, वो केवल दरवाजे तक जाएगी, दरवाजे से आगे पत्नी नहीं जाती है। परिवार वाले कहां तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, वहीं से वापस आ जाएंगे। उसको आगे साथ में क्या चलेगा?
इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने राम की भजन किया जितने राम के नाम लिया वही जाएगा। और साथ में हमारी कुछ भी भैया जब कुछ जानने वाले नहीं तो उसको पीछे क्यों पड़ेगी, जो जानने वाले उसके लिए तो फिर कोशिश करो। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अच्छे तरह से सुनना, इसको बाद में फिर मैं पूछूंगा, जो नहीं बोल पाएगा खड़ी कर दूंगा, इसलिए अच्छे तरह से सुनो। बोले एक समय कोई एक संत था, वो संत किसी राजा से मिलने के लिए, तो वहाँ पर कोई दरबार था, बोले बोलो कोई संत आपसे एक मिनट कोई जरूरी बात करना चाहते। राजा सोचा बाबा क्यों आते, कुछ पैसा लेने के लिए। तब उन्होंने क्या किया, 1100 रुपया निकाल कर बोले बाबा को दे देना। बाबा ने कहा भैया पैसा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो राजा के लिए कोई जरूरी काम के लिए आया, एक मिनट मिलना चाहता हूँ। वो जाकर बोले बाबा तो पैसा लिए नहीं, बोले इससे शायद मन भरा नहीं हो, उनने 2100 रुपया भेज दिया। बाबा बोले भैया पैसा लेना आया नहीं, मैं तो कोई जरूरी काम ले। राजा बोले भैया बोल दो बाबा को, राजा के पास में कोई समय नहीं संत से मिलने के लिए। अभी उसने रानी को पास में गया, रानी कोई दासी थी, बोले अंदर में राज रानी है, बोले है, बोले बोलो कोई संत मिलने से आए कोई जरूरी काम, एक मिनट बात करना चाहते। लेकिन देखो माताएं बहुत अच्छी, देखो सत्संग में ज्यादा कौन आई, बोलो कौन आए हो, माताएं आई ना। लेकिन रानी जब सुना संत मिलना चाहते हैं, बोले भैया संत कहते हैं अति हरी कृपा जा पर वही पाप दही संगत सोई। संतों का दर्शन कब होता है, बोले जीवन का जब सारे दुख खत्म हो जाती हैं तभी जीवन में सत्संग होता है मिलता है। इसलिए कहले बिनु सत्संग और विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बोले संत आए हैं, बोले बुला कर ला, अंदर में बुला करके ले आ। राजा तो वहीं से वापस भेज दिए हैं, लेकिन रानी ने क्या की, बोले बाबा को अंदर में ले आ, बाबा आए हैं, उनके चरण घर में पड़ेगा तो हमारी घर का मंगल होगा, बाबा को बुला करके ले आ। लाए प्रणाम, बोले बाबा अब हम क्या सेवा करें। बोले महारानी मैं तो किसी जरूरी काम लेकर के राजा से केवल एक मिनट बात करना चाहता था, लेकिन राजा मिले ही नहीं। बोले कोई चिंता नहीं, मैं हूँ ना, बताओ क्या सेवा करना क्या चाहते हो। बोले रानी आप ध्यान से सुनो, मैं अपना भजन करते करते मैंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा, जो राजा है ना 7 दिनों में मरने वाला है। कितना दिन में मरने वाला, 7 दिनों में मरने वाला। अभी शादी हुई, नई घर में बहू आई, राज रानी, अगर कोई बोलते 7 दिन में मर जाओ फिर क्या हुआ, उसी समय आधा ही हम मर जाएंगे। अगर हमें कोई बोलते ना 7 दिन, हम तो मरने से पहले ही मर जाएंगे, हैं? बताओ कोरोना आई थी सबको बंद कर दिया ना घर में, बताओ मरने कोई चाहता है। अभी सुन करके रानी इतनी दुखी हो गई, बोले राजा 7 दिन में मर जाएंगे। बोले बाबा ये सच ना झूठ, बोले सत्य है, मेरे भजन कभी झूठा नहीं हो सकता, मैं अपना दिव्य दृष्टि से देखा है। इसलिए राजा को ये बात पहुंचा था ना मैं जा रहा हूँ, बाबा तो चले गए। रानी इतने घबरा गई रानी, एक दासी को बोली बोले जल्दी जल्दी जाओ, महाराज को बोलना रानी अभी कोई जरूरी काम के लिए याद कर रही है। राजा जब सुने भागते भागते आए, लेकिन बाबा आए थे ना, एक मिनट समय नहीं था, अभी घर में नई बहू आई चंद्रमुखी है, इसलिए अभी बोलते ही उन्हें सारे काम को छोड़कर भागते भागते आए। बोले महारानी ऐसे क्या जरूरी पड़ गया, ऑफिस में तो अभी अभी गया था। बोले आपसे कोई संत मिलने गए थे, बोले हाँ, बोले आप मिले हो, बोले मैं राजकार्य में बिजी था। बोले महाराज, बोले जब भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तभी किसी संत का दर्शन मिलता है। संत आए, एक मिनट समय नहीं था, और मैंने जब बोला भागते भागते आ गए। अरे बोले बात तो बताओ क्या बात है, बोले बात बड़ी गंभीर बात है, वो संत यही बताने आए थे, वो अपना दिव्य दृष्टि से देखा हम 7 दिन में मरने वाला हो। ए राजा तो सुनते ही बोले क्या बोल रहे हो, बोले यहाँ तो यही बताना चाह रहे थे। बोले बाबा गए कहाँ, बोले चले गए अभी पास, उन्होंने बुलाया लोगों को, बोले जल्दी जल्दी बाबा को पालकी में बैठे करके ले आ। देखो अभी एक मिनट समय नहीं था, मरने का बात सुना ना, बोले पालकी में बैठा करके लाओ बाबा को। जब उसको लाए बाबा को चरण में गिर गए, बोले बाबा मेरी अपराध हो गई, आप इतने जरूरी काम लेकर के आए थे, आपसे मैंने मिला नहीं, अपराध माफ कर दो, लेकिन आप बताया मैं 7 दिन में मरने वाले। बोले हाँ राजा, बोले ये बात सही, बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिन में मरोगे। राजा घबराए, बोले कोई चिंता मत करो, आपने बहुत दान पुण्य किए हो,
इसलिए आपको अक्सर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज वहां पर सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। जब आप रात को सोओगे ना, ये मच्छर काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले फिर, बोले चिंता मत करो, मच्छरदान का व्यवस्था भी वहां पर है। बोले फिर, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? बोले कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसेंगे। बोले फिर, बोले फिर क्या? जब मरोगे ना, एक सुई धागा यहाँ से ले चलो। बोले सुई धागा ले चले? बोले हाँ। बोले बाबा कैसे सुई धागा ले जाएंगे? जब मरेंगे तो यहीं पर जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले क्यों? इतना बड़ा राज्य तेरा है, संत आने पर भी तेरे पास में एक मिनट भी नहीं संत से मिलने के लिए, जिस राज्य से एक सुई धागा भी तो ले नहीं सकते हो। ले सकते हो यहाँ से सुई धागा? ले सकते हो? सुई धागा यहाँ से नहीं चलेगी। इतने में जब ये बात बताए, एक सुई धागा भी नहीं ले सकते हो, संत ने समझाया। बोले मैंने तुमको इतनी सी बात समझाने के लिए आया, जिस राज कार्य में तुम इतने बिजी हो, मरते समय एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाले नहीं। बोले महाराज बता दो, अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोले यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जितने हरि का नाम लिए वही सत्य है, और जगत में सबके सब झूठा है। महाराज ये बताओ, सत्य के लिए कितने समय दे रहे हो, अब झूठे के लिए कितने समय दे रहे हो? कितने ये सत्य के लिए, जो सत्य है, सत्य बोल गत्य है, मतलब क्या? अगर तुम हरि का नाम लिए तभी तुम्हारी कोई गति, नहीं तो कोई गति तुम्हारी नहीं। उसको यही सुनाते हैं ना, कितने समय हरि का नाम लेते हो और कितने समय तो विषय में मस्त रहते हो। महाराज कान खोले कर सुनो, आप भी कान खोले कर सुन लो, वो एक रहस्य बात बताना चाह रहे थे, आप भी ये चीज को अच्छे ढंग से समझो। महाराज ने, संत ने ये नहीं बताया था सात दिन बाद में मर जाओगे, उन्होंने क्या बताया था? बोलो बोलो, सात दिनों में मरोगे। तीन साथी है, सात दिन आठ होता ही नहीं, दिन कभी आठ नहीं होता है, तीन साथी है। उन्होंने ये नहीं बताया था सात दिन बाद में मर जाओगे, क्या बताया था? सात दिनों में मरोगे। हम भी जब मरेंगे ना, सात दिन में एक ना एक दिन मरेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया सात दिन बाद में मर जाओगे, सात दिन में एक ना एक दिन हम भी मरेंगे ना। बोले महाराज आप सात दिन बाद में नहीं मरोगे, ये सात दिन में, मतलब जब हम शरीर छोड़ेंगे, सात दिन में एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ेंगे। जब उन्होंने ये बात बताया ना, राजा का जीवन फिर लौट कर आ गया। वो तो सोच रहा था सात दिन बाद मर जाएगा ना, लेकिन सात दिन बाद में नहीं मरेगा, कब मरेगा? अब समझ रहे कि नहीं बात को? सात दिनों में एक ना एक दिन मरोगे तुम, हम भी सात दिन में एक ना एक दिन मरेंगे। लेकिन जब मरेंगे, हमारे साथ में क्या जाएगा? ठाकुर जी की नाम जाएगा, और हमारे साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं। देखो उन्होंने क्या दिया, बाबा ने मेरे तरफ में देखो, उन्होंने एक माला और झोली दिया। बोले महाराज ऑफिस जाने से पहले जितने तुम अपना कर्तव्य समझते हो दुनिया की, ये सारे कर्तव्य तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं। जाएगा तो ठाकुर का नाम जाएगा, सवेरे नहा धोकर सबसे पहले भजन करना, भगवान की नाम जप करना, उसको बाद में जो कुछ करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे आप लोग भी संसार में रहते हो, घर बार तो छोड़ नहीं सकते, अपना घर को भगवान की मंदिर समझो, रसोई बनाते हो किसके लिए? ठाकुर जी के लिए, सचमुच से ठाकुर को भोग में लगे। घर में झाड़ू देते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रहे हो। बच्चे को प्यार करते हो, बच्चे किसने दिया है? किसके बच्चे है? ठाकुर जी का बच्चे है। इसलिए हमें किस चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, खूब पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होगा नहीं, पैसा लक्ष्मी। लेकिन ये चीज को याद रखो, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, ये लक्ष्मी नारायण है, केवल उनकी सेवा के लिए हम पैसा कमा रहे हैं। महाराज तब उन्होंने उनको एक माला दिया, बोले ये माला में भगवान की नाम को जप करोगे, राजा का जीवन बदल गया। बाबा के चरण में गिर पड़े, रोने लग गए। बोले बाबा आज तो आपने मेरे जीवन को बदला दिया, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक भगवान की भजन नहीं करूंगा कहीं भी नहीं जाऊंगा। और जो हाथ में काम करो, सबेरे हरि नाम करके जाओ, लेकिन हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। हाथ में काम, मुंह में जोर से बोला, क्या मेरे पास में बोल दिया फिर यहाँ से जाओगे तो फिर पल्लू झाड़ करके तो नहीं जाओगी? बोले बाबा का काम था बोल दिया,
हैं, लेकिन हम तो जो कर रहे नहीं। इसलिए भगवान की नाम जप करो, यही धन ही आ जाएगा। और नियम है जो माला है ना, ऐसे नहीं किसी संतों के हाथों से लेनी चाहिए। जब भगवान किसी संतों के हाथ में लोगे, फिर संत की कृपा और हमें आशीर्वाद मिलता है भगवान की भजन करने का, ठीक है ना। इसलिए भगवान की भजन करो, भक्ति करो, गंदी चीज से दूर रहो। और एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हाँ, और एक बार आप जोर से बोलो, जोर से। अगर कुछ माताएं बोल नहीं रही, अगर जिसकी इच्छा होगी ना, हम भी माला जप करना चाहते हैं। आपके लिए हम एक एक माला लाए कथा के बाद में। अब एक एक माला लेकर के जाना, आप भी जप करना, बच्चों को भी करवाओ। देखना जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगती है ना, उसको बोले एक माला जप करे, उसका मन अपने आप पढ़ाई में मन लग जाएगा। आप भी स्वयं देखना, जितने समय तक प्रभु का नाम जप करोगे ना, मन को बड़ी शांति मिलेगी। आप स्वयं देख लेना, मन को बड़ी शांति मिलेगी। हनुमान का नाम सुना हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? सब जानते हो, बताओ दिन भर वो क्या करता है? रघुपति राघव राजा राम पति का पावन सीता, यही करते हैं ना। देखो घर घर में पूजा होती है। मीरा ने क्या करती थी? मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरो नौकर, वो भी ठाकुर को नाम लेती थी। देख घर घर में पूजा हो रही है। शंकर जी को देखना, कहते पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा। शंकर भी पंचमुख में ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। माता जी को देखना, जो वैष्णवी देवी है, इनका नाम वैष्णव देवी है ना। वैष्णव मतलब क्या है? हम लोग वैष्णव है, वो वैष्णवी। पुरुषों को वैष्णव कहते हैं, माताओं को वैष्णवी। जो विष्णु मंत्र में दिखा लेती है उनको वैष्णवी कहती है। आठ हाथ में देखना, एक हाथ में देवी की माला है, भगवान के नाम जप करती है। सरस्वती की चार हाथ देखना, एक हाथ में माला है, हैं? ब्रह्मा जी की चार हाथ देखना, एक हाथ में माला। देखो ये सारे दुनिया जितने 33 करोड़ देवता है ना, वो ठपके सब ठाकुर के नाम जप करते हैं। इसलिए एक भजन सुने होंगे, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी यशोदा माँ ने, जपी थी यशोदा माँ ने, अखिलया तुलसी माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी अंजना माने, माला जपी थी अंजना माने, अंजना गया बजरे को माला का दिल मजबूत है। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे ना, अरे माला जप करेंगे, इतना गंदा काम कैसे करेंगे, हैं? शर्म लगेगा गले में कंडी तिलक भगवान के नाम जप करने के लिए। बोले क्या तुम बाबा जी हो गए, तुम भक्ता ही बन गई। लेकिन लोग शराब पीने के लिए, बीड़ी फूंकने के लिए शर्म नहीं, चुगली करने के लिए शर्म नहीं लगती है। शर्म किसलिए लगती है? भगवान की भजन करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, क्या जिसके दिल मजबूत हो। कमजोरी वाला भजन नहीं कर सकते हैं, वो तो कायर है, हैं? इसलिए माला किसने? हनुमान जी जप कर रहे हैं, भोले बाबा जप कर रहे हैं, वैष्णवी देवी जप कर रही हैं, गणेश जी कर रहे हैं, हैं? क्यों? इनका दिल मजबूत दिल है। बताओ तो किसका दिल मजबूत है? बताओ कौन हरि नाम करेगा? हाथ उठा तो कौन है? हाँ, इसलिए आप जाते समय आपके एक एक माला दूंगा, ठीक है? एक एक माला लेना, खुद भी कैसे माला करके देख लो। जैसे ये माला है ना, ये अंगूरों का हम इसमें नहीं लगाते, ये गंदा अंगूर, हम बोलते हैं ना तेरे को देख लेंगे,
सबसे पहले ये निकलता है, ये अहंकार का प्रतीक है। इसलिए ये बीज अंगुली में रख करके एक बार मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 दो मती। करते करते अब यहाँ खत्म हो जाएगा ना, इसको पार नहीं करना, पार नहीं करके इधर इसे घुमा देना। और जितने प्रभु का नाम जब करोगे समझो ये माला नहीं, ये माल है, यही माल ही तुम्हारे ऊपर में सब डिपॉजिट हो रहे बैंक में। जब ऊपर जाओगे ना काफी खुलेगा तो माला ही माल है, फिर तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था होगी ठाकुर का चरण में। अगर प्रभु का भजन नहीं करोगे फिर तो डंडे मारते मारते नरक में, फिर 84 नरक में भोग करो। अगले जीवन में फिर भगवान मानव शरीर नहीं देंगे, भगवान राम खुद कहते हैं। अगर ये जीवन पा करके, क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार मिला, भगवान खुद कहते हैं 84 लाख ब्रह्म के ये नर तन देही। अगर इसी जीवन में तुमने भजन नहीं किया भगवान, कभी भी तुम्हें इंसान जीवन नहीं देंगे। कोई पेड़ पौधा जानवर घूमो फिर उसी चक्कर में भटकते रहो। लेकिन अगर प्रभु का सही सही भजन किया तो ठाकुर का चरण मिलेगा। अगर भजन पूरी सही नहीं किया तो अगली जीवन में ठाकुर फिर बढ़िया घर में जन्म, बहुत अच्छे घर में जन्म देंगे। जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा कीर्तन बढ़िया परिवार में जन्म देंगे, फिर भजन करोगे भक्ति करते करते सही भक्ति किया फिर ठाकुर जी चरण में ले जाएंगे। ठीक है, जाते समय एक एक माला ले जाए। ठीक है, कौन कौन लेगा? बाबा यहाँ की माता एक अच्छी लगती है। हाँ एक भजन सुन कर भी भजन गया देखो एक घर सुना। जैसे हम माला दो तरह से देते हैं, जो लोग अभी प्याज लहसुन खाते हो हम उनको नीम माला देते हैं, बल्कि इसमें जप करते रहो, करते करते धीरे धीरे खत्म हो जाते ठाकुर का आशीर्वाद से। लेकिन जो पूरा प्याज लहसुन छोड़ देते हैं फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं। लेकिन जो बोलेगा हम धीरे धीरे चौंची वो छोड़ेंगे, अगर कोई नॉन वेज भी खाते हो गए माला लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नीम माला। लेकिन कोशिश करना धीरे 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 किस आस्ते आस्ते छूट जाए। और एक चीज़ कोशिश करना, इधर आ जाओ तो क्या तुम्हारे ना भूल गया, इधर आ सामने, क्या नाम? राधाकांत। हाँ रोहिणी दीदी सामने आओ, इधर आओ। आप लोग इनको जानते हो? कौन कौन जानते हो, हाथ उठाओ तो। हाँ सब जानते हो। देखो हाँ हम कोशिश करते हैं, देखो जैसे आज थोड़ी सत्संग सुन, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हो, सत्संग सुन थोड़ी ज्ञान जागृत होगा। लेकिन जब घर में जाओगे फिर भूल जाओगे। जैसे गमला में एक पौधा लगाते हो, अगर बीच बीच में पानी दोगे तो ना पौधा हरी भरी रहेगी, अगर पानी नहीं दोगे तो मर जाएगा है। कभी ये पानी देना मतलब क्या सत्संग है। जैसे ये यहाँ पर रहती है, ये बच्चों को पढ़ाती है, इसका दुकान भी है, लेकिन इसको साथ ऐसे नहीं उसने घरवाड़ा छोड़ दिया है, नहीं इसका पति पत्नी दोनों मिल करके, बच्चे खड़ा हुआ था ना देखा, बच्चे सब कुछ इसकी है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी प्रभु का भजन करती है, ठाकुर जी की ये भक्ति करती है। इसलिए आप लोग सब कुछ रहते हुए आप स्वयं देख लेना, एक भजन गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे। हाँ ये चीज को विश्वास करो, ठाकुर जी कहते हैं मेरे तरफ में तू एक कदम बढ़ाओगे ना मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। ठाकुर खुद कहती बात को, अगर तुम स्वयं देख लेना भजन करोगे ना, जो काम तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है, बहुत नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, जब उनकी बेटी की शादी हुई है कृष्ण स्वयं सांवरिया सेठ बन गए। और ऐसे आप लोग देखो नरसिंह भगत का कथा, ऐसे सोने चांदी की बरसात होने लग गई, वो दहेज मांग रहे थे बहुत कुछ चीज, सोने की ईट ईट मोहर बरसने लग गई, क्यों? ठाकुर जी भक्ति करते थे, भजन करते थे, इसलिए भगवान के लिए करोगे तो ठाकुर तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ेंगे। ठाकुर जी ये चीज को विश्वास करनी चाहिए। ये भी घर गृहस्थी करते हैं, बच्चे भी सब कुछ है, लेकिन करते हुए प्रभु का भजन करते हैं, हरिनाम करती है, माला करती है, और कोशिश करते हैं दूसरों थोड़ी थोड़ी ठाकुर को बाहर में बताने के लिए भी कोशिश करते हैं।
अगर हो सके तो कोशिश करना इनको महीना में एक बार बुला, ठीक है? आओगे तो कौन कौन आएगा? हाँ देखो, आप लोग स्वयं देख लेना, जब भगवान की भक्ति करोगे घर में शांति सुख की लहर भी लग जाएगी। किसी को स्वयं देखोगे, बच्चे भी भक्ति करेंगे, परिवार भी भक्ति करेंगे। हम लोग कौन कौन वहां से, कहां से, कश्मीर से कोई कोई आए ना पंडित ब्राह्मण, कौन कौन आए कश्मीर से? देखो देखो, ये चीज अच्छे तरह समझो, अच्छे तरह से माताएं समझो, क्यों कश्मीर से आई? क्योंकि मुसलमानों ने अत्याचार किया है। देखना, मुसलमान अपना धर्म का प्रति जितने विश्वास हिंदुओं में नहीं है। एक समय किसी एक मुसलमान छोटे बच्चा पतंग उड़ा रहा था 10 साल का, मैंने उसको पूछा भैया तेरा नाम क्या, तो जो नाम बताया ना पता चला मुसलमान। मैंने पूछा तेरे को पुराना आती है? वो छाती फुला कर बड़ा पुराना आती है। मैंने कहा सुनाओ, तो वो झटाझट पुराना बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से पुराना पढ़ाया जाता है? बोले कंपल्सरी 2 साल उम्र में मुसलमान को पुराना पढ़ाया जाता है। हमारे जो दिल्ली है ना, इतने छोटे छोटे बच्चे को टोपी पहना करके पूरा रास्ता जाम कर देते हैं, मेन रोड में बैठ कर पुराना पढ़ते हैं। और ऐसे हिंदू आपसे पूछता हूँ, अपना बच्चे को बोलते हो गीता पढ़, और हिंदू अपना बच्चे को बोलते रामायण पढ़, क्यों हमारी धर्म की इतने घटिया, क्यों इतने क्यों नीचे उतरते जा रहे हैं? यही है, धर्म में विश्वास नहीं। बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, उसको कभी नहीं बोलते तू गीता रामायण पढ़। अगर चाहते हो तुम्हारी हमारी हिंदू धर्म जीवित रहे, रहे यहाँ पर कश्मीर छोड़कर भाग रहे आगे, अगर यहाँ पर होगा कहाँ से आओ? फिर बरोक नहीं, अपना धर्म का प्रति जागृत रहो, नहीं तो मरने का सिवाय कोई रास्ता नहीं तुम लोग का। इसलिए क्या करो, हरिनाम करो, बच्चों को पर अच्छे संस्कार डालो, बच्चे भी संस्कार बने। हमारे बड़े गुरु जी को किसने आकर के बोला पिताजी बच्चे बात नहीं सुनते, घर घर की बात देखना, बच्चे बात नहीं सुनते। देखो गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण पढ़ाते? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, इसको यही दुर्गति होगी। कहाँ पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए? कहाँ पर बताया? रामायण कहता है, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे। रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे, हाथ उठाओ। तो आप देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, देखना भगवान राम स्वयं प्रभु पिताजी की चरण दबाए, देखे कि नहीं? यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपना पिता माता की चरण दबाता? भगवान राम कितना साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल। अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन कर। हनीमून मनाने के लिए तो 14 दिन जा सकता है, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं जाए। किसकी कमी? गुरु जी कहते थे, बोले तुम्हारी कमी, तू खुद नालायक, बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा देते हो, खुद तो भक्ति भक्ति से तुम्हारी कोई मतलब नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? खुद तो नालायक, गुरुदेव गाली देते थे, खुद खुद तू नालायक हो, माला करते हो, रामायण पढ़े तो कुछ भी नहीं करते हो। इनको देखो, इनके पिता माता को देखो, बच्चे को देखो, गले में तुलसी कटी, देखो तिलक लगा, खड़े हो जाते, इसको देखो क्यों ये बच्चा कर रहा है, बोलो ये बच्चा क्यों भजन कर रहा है, बताओ? क्योंकि इसके पिता माता खुद कर रहे हैं। तुम लोग करते हो कोई? नहीं, दिन भर टीवी खोल कर बैठ जाते हो, स्मार्टफोन लेकर बैठ जाते हैं, बहू बेटी की चुगली करना शुरू कर देते हो, हरिनाम फरिनाम से कोई मतलब नहीं रखते। इसलिए हमारे धर्म का इतना दुर्गति है, ठीक है? क्या करना बोलो? इसलिए हम चाहते, देखो संत लोग आए हैं कुछ देने के लिए, हमें आए आपसे लेने के लिए नहीं आए। हम चाहते तुम्हारे जीवन सुधरे, हमारे धर्म जागृत हो और हमारी सनातन धर्म पर तुम्हारी निष्ठा हो, ठीक है? इनके घर में हर महीना में कोशिश करना एक बार आने के लिए, नहीं तो ऐसे कर दो, हर घर घर में, हर महीना में, हर घर घर में जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, कोई प्रसाद की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा बैठो, थोड़ा कीर्तन करो और हम लोग इनको सिखाएंगे क्या भगवान की कथा सुनाएगा, आपको क्या कथा सुनाएगा, हम इनको सिखाएंगे और ये जा करके आप लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे, बच्चे कैसे सुधरे, बच्चे कैसे पिता माता की सेवा करें, बड़े बूढ़ों को सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ हम सिखाएं, ठीक है? इसलिए जाते समय कोशिश करना एक एक माला ले जाने के लिए, ठीक है? एक एक माला ले जाना, खुद भी करना और बच्चों को भी करना। लेकिन हम कभी कभी कहते नहीं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, अच्छे तरह सुनो। जैसे बच्चे को 7 बजे जाना स्कूल है, कितना बजे बच्चे को उठाते हो?
बोलो 5 बजे 6 बजे उठाते हो, उसको पूरा स्नान करा के ड्रेस पहना करके उसको पुस्तक दे करके स्कूल छोड़ते कि नहीं छोड़ते कि नहीं छोड़ते हो? वही बच्चा देखो ज्यादा पढ़ लिख जाए ना, पिता माता को गाली देता है, अरे तू गवार तू क्या जानते, हम PhD किया, हमने इंजीनियरिंग किया, हमने डॉक्टर, तू क्या? बच्चे अब बताओ बच्चे बिगड़ता है कहाँ पर? घर में ना, बाहर जाकर स्कूल कॉलेज में, कहाँ पर जाकर सिगरेट भुगतता है, कहाँ पर लड़कीबाजी करता है, कहाँ पर गंदे काम करता है? कॉलेज स्कूल में सीखता है, घर में कोई बच्चा बिगड़ता नहीं। लेकिन वो बिगड़ने के लिए उसको तो हम भेज देते हैं, उसको 10 मिनट नहीं बोल सकते बेटा एक माला करके जा, तू बोल सकते कि नहीं? कौन कौन बोलेगा, हाथ उठाओ तो। हाँ, उसको जोर जबरदस्ती करना नहीं, कर नहीं, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, बच्चे को बोल देना नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, पहले बैठ करके एक माला तू जब करो। देखो अगर आप लोग ढीली ढाली बनो ना नहीं हो सकते, ये बच्चा कैसे भजन करता है बोलो, कैसे करता है? पूछो हरिनाम करता है कि नहीं बच्चा? ठीक है, धीरे धीरे एक माला ले जाना, बच्चों को हरिनाम करवाओ, भगवान के संस्कार पढ़े, बच्चे अच्छे बने सबके साथ। बोलो वृंदावन की हरि की जय, जय जय श्री राधे। Thank you.